लर्मा वाला, मैं बड़ोड़ा से यहाँ पे आया हूँ। मेरी स्कूल है बड़ोड़ा में, MES हाई स्कूल नागरवाड़ा, जो ऐसे विस्तार में है कि इसके आसपास के जो हैं बच्चे आते हैं, आसपास के जो एरिया के बच्चे आते हैं, वो थोड़ा सा ऐसा मुझे लगा जब मेरी अपॉइंट हुई तब कि बच्चे जो है ना स्कूल में ध्यान नहीं है उनका, तो मुझे लगा कि इनको कैसे स्कूल में अट्रैक्ट किया जाए। इसलिए मैंने आर्ट के द्वारा शुरू कर दिया है प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले तो एक मैंने प्रोजेक्ट किया था कि 2004 में मैंने एक ड्राइंग रूम में काफ़ी बड़ा 7 मीटर लंबा एक पेंटिंग को जो है मैंने बिछा दिया, मतलब कागज़ को बिछा दिया, कोरे कागज़ को, और उस पर बच्चों को बोला गया कि पेंटिंग करो। बच्चों ने पूछा क्या करें, मैंने बोला तुमको जो पसंद है वो सब्जेक्ट करो। तो बच्चों ने बोला हमको SS के इतिहास बहुत पसंद है, इतिहास अंग्रेज़ मुग़ल। तो मैंने कहा ठीक है, तो वो बच्चों ने शुरू की और ये 2018 में पूरा हुआ। उसमें ये मैंने करवाया कि उनमें पेशेंस बढ़े, इसलिए बच्चे ड्राइंग करने के बाद, शेप बनाने के बाद, उसमें मैंने बोला फ्लैट कलर नहीं करना, तुमको जो है ना डॉट डॉट करके, ज़ीरो नंबर का ब्रश जो आता है उससे डॉट डॉट करके, पेंट ब्रश जो आता है उससे डॉट डॉट करके आपको फील करना है पिक्चर को। तो बच्चों को जो है, बच्चे लिखते भी गए, सर मेरे 100 हुए, मैंने कहा और कर सकते हो करो। ऐसे करते करते उनके पेशेंस बढ़ा, उनको स्कूल में रहने का अच्छा लगने लगा, उनको फिर धीरे धीरे और भी समझने लगा कि यार उनको आहिस्ता आहिस्ता, एकदम से तो नहीं, पर धीरे 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 महसूस करने लगे कि यार गणित भी तो ऐसे ही आसान होगा ना, लिखने भी जो है लैंग्वेज भी इतनी आसान है। ऐसे करते 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 हुआ अब उस दौरान में धीरे धीरे जो है हम लोग एक्टिविटी डे भी शुरू कर दिया। हर महीने हम एक्टिविटी डे रखते हैं। उसमें एक्टिविटी इसलिए कि जो बच्चे ने उनमें बहुत सारे सृजनात्मक प्रयोग करने की शक्ति है, सिर्फ इनको थोड़ा सा एक इशारा करने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि उनके पास जो है उसी पर जो है ना उनको कुछ कलात्मक बनवाएं, उनसे कुछ बनवाएं। जैसे कि घर में थम्सअप पिया होगा तो थम्सअप की बॉटल है, अब ये थम्सअप की बॉटल है तो मैंने बोला एक काम करो यार, तुम्हारे घर पे जो थम्सअप की बॉटल है किसी के वहाँ तो कल लेके आए। तो 3-4 बच्चे लेके आए, सर हमारे यहाँ है। मैंने कहा ओके, अब ये थम्सअप की बॉटल तुम लोगों ने क्या करने वाले थे, पहले फेंक देने वाले थे, लेकिन अब क्या कर सकते हो, देखो फेंकना मत, इसको जो है ना मैं बताता हूँ एक तरीका, इसको इतना सुंदर बना देते हैं हम। तो बस मैंने कुछ तरीके बताए, जैसे कि इसको सुंदर बनाने के लिए मैंने सिर्फ कलर, पानी से मिला हुआ कलर मैंने इसके ऊपर रख दिया और फिर मैंने बस पास जाके फूंक मार दिया, स्प्रेड कलर हुआ। पूछूंगा ओह सर कितना अच्छा लग रहा है, दूसरा कलर लिया फिर फूंक मार दी, दो कलर किया। मैंने कहा देखो ऐसे करके हर कलर तुम यूज़ कर सकते हो बस। तो वो शौक बढ़ गया। तो बच्चों ने ये है जो भी कुछ कुछ चिड़ियाघर हैं, फिर जो है अंडे हैं, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बच्चे बना सकते हैं इजीली। ये हम रोज़ प्रयोग में लेते हैं खाने में, नाश्ते में, अगर जो खाते हैं वो लोग, तो उसमें क्या है कि इसको अगर सीधा पकड़ा जाए और ऊपर से जो है हमारे किचन की अगर छोटा सा नाइफ लेकर उसकी नोक, उसकी जो है नोक ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी कर दी जाए, इसको लगा दी जाए, मारी जाए थोड़ी सी, तो बटन जितना सुराख हो जाएगा, हमारे बटन जितना सुराख हो जाएगा बस। तो उसमें से जो आप प्याली में से निकाल लो अंदर की सब चीज़ें, उसके बाद नल के नीचे रख दो, पानी से गिरा दो उसको, पानी उस पर गिरा दो, जिससे अंदर का जो है वो सब बदबूदार जो है वो सब पदार्थ निकल जाएगा और साफ़ हो जाएगा, सूख जाएगा। आप उसको फिर कोई भी मटेरियल से, मतलब आप पेन, मतलब आप ऑयल पेस्टल, क्रेयॉन, वाटर कलर, कोई भी यूज़ इस्तेमाल करके उसको क्रिएटिव बना सकते हैं। बैट, बच्चे बैट खेलते हैं, तो मैं कहता हूँ तुम्हारी कुछ चीज़ ऐसी होनी चाहिए, तुम खुद यूनिक हो। मेरा ये सब करने का इससे पीछे ही है, उनको रोकना है स्कूल की तरफ, उनका ध्यान स्कूल की तरफ बढ़ाना है और उनकी सृजनात्मक शक्ति जो है वो अंदर से बाहर निकालनी है। तो उनके पास जो चीज़ें हैं उनको मैं क्रिएटिव बनवाता हूँ, तो वो लोग बाद में तो खुद कहते हैं सर सच में है ये तो चीज़, मैं इसको फालतू समझता था। मैं बोला देख तेरी ज़िंदगी भी, तू कभी शायद, यानी तेरी ज़िंदगी इतनी कीमती है, इससे ज़्यादा कीमती है, मतलब तू इतना अच्छा कर सकता है, तेरे में गट्स हैं, तेरे में टैलेंट है, तूने तो अभी एक छोटा सा टैलेंट आर्ट के अंदर दिखाया, अभी तो बहुत कुछ तू कर सकता है। तो सच में बच्चे जो है ना कुछ ना कुछ करते हैं। एक बार जो है ना एक बच्चे ने साइंस का मुझे ये बना के दिखाया और ये ऐसा सुंदर बताया कि मैं आपको बताऊँ। अभी इसमें जो है पानी अगर टंकी में भर जाता है तो कैसे हमको मालूम होगा कि टंकी में पानी भर गया, तो वो बच्चों ने मिलके, दो बच्चों ने मिलके एक्सपेरिमेंट किया। तो अब ये देखिए एक्सपेरिमेंट, इसको दो पेंसिलें जोड़ दिए, थोड़ा सा वायर जोड़ दिया, पेंसिल को डिप किया तो बोला सर टंकी भर जाए,
तो बता सकते हैं टंकी भर गई हमको आवाज़ आएगी। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बच्चे करते हैं, जो कुछ जो है उनके पास में आसपास जो है उसी को वो अगर ध्यान में रखेंगे और उसको कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि अपनी खुद की भी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की वो एक ले सकते हैं, सीख ले सकते हैं। थैंक यू।